यशवंत जी, आज आप ये डीसी ऑफिस किस लिए आए हैं? सर देखिए, फरीदाबाद के अंदर पिछले कुछ दिनों से एक ज्वलंत मुद्दा है कि फरीदाबाद का जो सनफ्लैग अस्पताल है जी, उसको सरकारी बनाया जाए, लेकिन सरकार, हरियाणा सरकार और प्रशासन कहीं ना कहीं उसको प्राइवेट हाथों में सौंपने की तैयारी कर चुके हैं। हुड्डा ने उसका टेंडर निकाड़ दिया है। और देखिए, तो आज हम माननीय फरीदाबाद के जो डीसी साहब हैं यशपाल यादव जी, उनके मार्फत आज हम देखिए प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन सौंपने आए हैं, जो देश के हमारे प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, और हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं श्री मनोहर लाल खट्टर जी, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी, इनको आज ज्ञापन दिया जाएगा और उनसे मांग करी जाएगी कि आप फरीदाबाद के हकों की रक्षा करें। 25 से लेकर 30 लाख की आबादी है और उस पर एकमात्र सरकारी अस्पताल बीके है जी। फिर इस सनफ्लैग अस्पताल को क्यों सरकारी अस्पताल ना बनाया जाए? किसने नहीं देखा, कोरोना काल में इन प्राइवेट अस्पतालों ने खुली लूट मचाई, गरीब का तो इलाज ही नहीं हो पाया, फिर इस सनफ्लैग अस्पताल को सरकारी अस्पताल क्यों ना बनाया जाए? राजस्व की बात आती है तो हरियाणा के अंदर फरीदाबाद पूरे हरियाणा को चलाने के लिए राजस्व देता है, तो फिर क्यों हम स्वास्थ्य सुविधाओं से अछूते रहें? क्यों ना इस सनफ्लैग अस्पताल को सरकारी अस्पताल बनाया जाए? राजनीति के क्षेत्र की बात करें तो भाजपा की सरकार है और कहीं ना कहीं पिछले 7 सालों में फरीदाबाद की जनता ने जो भाजपा को प्यार दिया है, फिर क्यों भाजपा फरीदाबाद की अनदेखी करती है? तो क्यों ना इस सनफ्लैग अस्पताल को सरकारी अस्पताल बनाया जाए? जब फरीदाबाद की पूरी जनता ये कहती है कि इसको सरकारी अस्पताल बनाया जाए, हमें भी स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए, क्या गरीब को स्वास्थ्य सुविधाओं का हक नहीं है? अगर क्या गरीब इंसान भी अच्छा क्या स्वास्थ्य सुविधा नहीं ले सकता, तो फिर क्यों ना इस अस्पताल को सनफ्लैग अस्पताल अगर को सरकारी अस्पताल बनाया जाए? अगर कोई इमरजेंसी आती है तो उसको कहाँ रेफर करते हैं? दिल्ली रेफर करते हैं। मैं यही तो कहता हूँ, स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर फरीदाबाद बिल्कुल नील हो चुका है। हम बात करें, यहाँ पर जो प्राइवेट अस्पताल है उन्होंने कब्जा कर लिया है, एक लॉबी बना लिया है, और कहीं ना कहीं जो यहाँ के राजनेता हैं और जो मैं कहूँ इस लॉबी का साथ देने पर आतुर हैं, तो मेरी अनुरोध है उन राजनेताओं से भी और फरीदाबाद प्रशासन से और माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से कि आप कहीं ना कहीं जनहित में सनफ्लैग अस्पताल को सरकारी अस्पताल बनाएं। कहीं ना कहीं ये एक जनहित में और स्वास्थ्य क्षेत्र में एक क्रांति का काम करेगा। जय हिंद, जय भारत।